हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। ये द ग्रेट गैट्सबी पार्ट टू है। पार्ट वन में हम लोगों ने चैप्टर सिक्स तक सब डिस्कस कर लिया है। अगर वो वीडियो नहीं देखा तो पहले वो देख लो, देन ये वीडियो देखो। ओके, तो इस पार्ट में हम लोग चैप्टर सेवन से आगे की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। ओके, तो जैसे हमें पता है डेजी और गैट्सबी का अफेयर शुरू हो जाता है, तो उसके बाद गैट्सबी अपनी सारी पार्टियाँ बंद कर देता है, बिकॉज वो नहीं चाहता किसी भी तरीके की रूमर बाहर जाए कि गैट्सबी डेजी को डेट कर रहा है, किसी को कुछ भी पता चले। और वो इसी वजह से अपने सारे सर्वेंट्स को भी निकाल देता है, सिर्फ गिने चुने सर्वेंट्स को रखता है जिस पर वो फुली ट्रस्ट करता होता है कि इन लोगों से कोई भी बात घर की बाहर नहीं जाएगी। फिर क्या होता है, एक दिन जो निक है वो डेजी और टॉम के घर पे जाता है लंच के लिए। वो क्या देखता है, वहाँ पर पहले से ही गैट्सबी और जॉर्डन भी हैं। और जो डेजी है और गैट्सबी के इंट्रैक्शंस को देख के जो टॉम है उसको शक हो जाता है कि इन लोगों का कुछ अफेयर चल रहा है। डेजी बोलती है बहुत ज़्यादा बोर हो रही है, उसको न्यूयॉर्क जाना है। ये सब लोग भी रेडी हो जाते हैं, बोलते हैं चलो न्यूयॉर्क घूम के ही आते हैं। फिर ये लोग अपनी कार वगैरह निकालते हैं और जाते हैं, और गैस के लिए वो लोग वहीं पे जाते हैं गैराज में जहाँ पे टॉम का अफेयर चल रहा है। तो जो इन लोगों को क्या पता चलता है, जो जॉर्ज है मर्टल का हस्बैंड, उसको पता चल गया है कि उसकी वाइफ का कहीं अफेयर चल रहा है, बट उसको ये नहीं पता चला कि उसका अफेयर किसके साथ चल रहा है। तो इसलिए वो प्लान करता है यहाँ से कहीं और जाने के लिए, कहीं दूर चले जाने के लिए। वो लोग गैस वगैरह भरवा के निकल जाते हैं और एक प्लाजा होटल में रुकते हैं। तो वहाँ पे इन लोगों की बात शुरू हो जाती है टॉम और गैट्सबी की। तो इसी में इन लोगों की बात बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ जाती है कि जो टॉम है उसको बुरा भला बोलने लगता है। उसको बोलने लगता है कि तुम्हारा जो पैसा इलीगल है और तुम कहीं ऑक्सफोर्ड वगैरह नहीं पढ़े हो और तुम गरीब फैमिली से बिलोंग करते हो और तुम दुनिया को कुछ अलग ही दिखाते हो। वो इन लोगों का झगड़ा बढ़ते बढ़ते बात यहाँ तक पहुँच जाती है कि डेजी की भी बात बीच में आ जाती है। तो गैट्सबी टॉम से कहता है कि डेजी ने तुमसे कभी प्यार नहीं किया, और गैट्सबी जोर देने लगता है डेजी से बोलने के लिए कि तुमने कभी टॉम से प्यार नहीं किया। बट डेजी ऐसा कुछ नहीं बोलती है। डेजी बोलती है मैं अभी प्यार नहीं करती टॉम से, बट ऐसा एक टाइम था जब मैं टॉम से प्यार करती थी। उनके तो गैट्सबी बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है, और टॉम ये दिखाने के लिए कि उसको इन लोगों के अफेयर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो गैट्सबी से बोलता है कि तुम डेजी को लेके घर जाओ और निक जॉर्डन और टॉम वो एक साथ आ जाएंगे। टॉम जॉर्डन और निक रास्ते में क्या देखते हैं कि एक्सीडेंट हो गया है, और वो एक्सीडेंट में मर्टल की डेथ हो गई है। तो वो लोग पूछते हैं आसपास में कि कैसे हुआ क्या हुआ। तो लोग बताते हैं कि न्यूयॉर्क के साइड से एक येलो कार आ रही थी, बहुत फास्ट कार थी, उसने इसको टक्कर मार दी और मर्टल की डेथ हो जाती है। और ये लोग समझ जाते हैं कि जो कार है वो गैट्सबी की कार थी। तो ये जो टॉम है क्या करता है, जो मर्टल का हस्बैंड है जॉर्ज, उसको जाके बता देता है कि तुम्हारी वाइफ का जिस कार से एक्सीडेंट हुआ है वो कार गैट्सबी की कार है। तो जॉर्ज को क्या लगता है कि मर्टल को गैट्सबी ने मारा है, और जॉर्ज को ये भी लगता है कि गैट्सबी ही उसका लवर था, मर्टल का लवर था, इसीलिए उसने उसको मार दिया। फिर बाद में निक गैट्सबी से मिलने जाता है और पूछता है कि तुमने एक्सीडेंट कर दिया मर्टल का क्या। तो बोलता है कि कार तो मेरी थी बट मैं कार चला नहीं रहा था, कार डेजी चला रही थी। ओके, तो चैप्टर एट में क्या होता है, निक गैट्सबी से बोलता है कि तुम्हें ये जगह छोड़ के चले जाना चाहिए, ये जगह अब तुम्हारे रहने के लिए सेफ नहीं है। तो इस पर वो बोलता है गैट्सबी कि मैं डेजी को छोड़ के कहीं नहीं जा सकता, तो उससे गुड बाय बोलता है और निकल जाता है। फिर वो सोचता है निक कि डेजी टॉम और जॉर्डन कितने एक सेल्फिश किस्म के लोग हैं, वो लोग दूसरों के बारे में सोचते नहीं, सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं। और फिर उधर जॉर्ज को लग रहा होता है कि उसकी वाइफ को गैट्सबी ने मारा है। तो जॉर्ज आता है गैट्सबी के मेंशन, तो रिवॉल्वर लेके आता है, उसको गोली मार देता है गैट्सबी को, और फिर खुद को भी मार लेता है, खुदकुशी कर लेता है वो। ओके, तो चैप्टर नाइन हमारा लास्ट चैप्टर है। इस चैप्टर में क्या है कि अभी ये सब जो इंसिडेंट हुए, ये गैट्सबी वाला उसको मारने वाला, ये सब जो चीज़ें हैं वो 2 साल पहले हो चुकी, जो प्रेजेंट टाइम में है। जो निक है वो ये सब चीज़ें लिख रहा है, उसके थ्रू हमें सब चीज़ें पता चल रही हैं। निक गैट्सबी के फ्यूनरल के बारे में भी बताते हैं कि उसके फ्यूनरल में अभी जर्नलिस्ट हो गए, फोटो रिपोर्टर्स हो गए, ये सब लोग रहते हैं। और जो निक है वो गैट्सबी का बहुत बड़ा फ्यूनरल रखता है, बट उसके फ्यूनरल में ज़्यादा लोग नहीं आते हैं, वो रहता है, उसके कुछ लॉयल सर्वेंट्स रहते हैं, आउलाइज रहता है, और गैट्सबी के फादर आते हैं, बस इतने ही लोग उसके फ्यूनरल में आते हैं। डेजी और टॉम कहीं बिना बताए वो लोग जगह वगैरह छोड़ के सब चले गए हैं, और निक भी वेस्ट टेक छोड़ के कहीं चला जाता है। फिर उसको बाद में एक दिन टॉम मिलता है,
तो टॉम से तभी उसको पता चलता है कि टॉम ने ही जॉर्ज को बोला होता है कि गैट्सबी की कार से उसका एक्सीडेंट हुआ, उसकी वाइफ का, और उसी ने ही उसको मारा रहेगा। तो फिर यही निक सोचता है इन लोगों के बारे में कि ये लोग कैसे लोग हैं, ये लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, दूसरों के बारे में कुछ नहीं सोचते, और ये लोग सोचते हैं ये लोग अपने पैसों के दम पे किसी भी चीज़ से बच सकते हैं। ओके, तो हमारी नॉवल कंप्लीट हो गई। थीम क्या है? द अमेरिकन ड्रीम, क्लास, ओल्ड मनी, न्यू मनी, नो मनी, सोसाइटी एंड क्लास, लव, डिज़ायर एंड रिलेशनशिप, पॉइंट ऑफ व्यू, फर्स्ट पर्सन, लिमिटेड पर्सपेक्टिव। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट वीडियो मैं जल्दी अपलोड करूँगी। सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।